कि अगर दिल्ली से हजरत जी भी आ जाए तो बीजेपी का टिकट लेकर तो उनको भी हम फटी वोट नहीं देंगे। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंद वॉइस में। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात करेंगे हरियाणा को लेकर। हरियाणा में इस वक्त चुनाव चल रहे हैं, सभी पार्टियाँ अपनी चुनाव की तैयारी जोर शोर से कर रही हैं, कैंपेनिंग कर रही हैं, रैलियाँ चल रही हैं और 21 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। हालांकि महाराष्ट्र में भी चुनाव चल रहे हैं लेकिन हम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने हरियाणा से भेज रहे हैं। हमारे रिपोर्टर संदीप सिंह वहां से लगातार ग्राउंड रिपोर्ट भेज रहे हैं, बता रहे हैं कि लोगों का रुझान क्या है, लोग किसे पसंद कर रहे हैं, बच्चे किसे पसंद कर रहे हैं, बूढ़े किसे पसंद कर रहे हैं और कौन पहली पसंद वहाँ पर बना हुआ, ये सब खबरें अभी तक आपने देखी। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक इलाके की जो मुस्लिम बहुल इलाका है, एक ज़िला है हरियाणा के अंदर, जहाँ पिछले 2-3 साल में ऐसी कई घटनाएं हुई है मऊ लिंचिंग की, जिस वजह से इसका नाम हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ मेवात ज़िले की, जहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है और 2-3 साल में ऐसी घटनाएं भी हुई हैं। वहाँ की राजनीति में क्या चल रहा है, वहाँ पे फिलहाल कौन विधायक है, मौजूदा 3 विधायक, तीनों बीजेपी में हैं, तीनों मुस्लिम हैं, एक निर्दलीय जीता था पिछली बार जो बाद में बीजेपी चला गया और बाद में 2 कांग्रेस के विधायक वो भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो जनता जो है उन्हें ही वोट देगी, किस तरफ उनका रुझान है, ग्राउंड रिपोर्ट तो आएगी लेकिन उससे पहले हमारे साथ ही यहाँ पर मौजूद है मोहम्मद शफी, जो हक न्यूज़ पत्रकारिता के संपादक भी हैं और YouTube चैनल पे इनका अपना एक चैनल है इंसाफ वार्ता के नाम पे। पत्रकारिता का एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस इनके पास है और ये बिलोंग भी करते हैं मेवात से, तो मेवात की जनता को जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि राजनीतिक पृष्ठभूमि में चल क्या रहा है, जनता किसकी तरफ देख रही है और पिछले 5 सालों में मेवात के अंदर ऐसा कोई कार्य हुआ, विकास हुआ कुछ ऐसा, उन सब पर भी बात करें। सर सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप थोड़ा मेवात के बारे में पहले बताइए, राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रही है, पिछली बार विधायक थे, अभी वो फिलहाल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दरअसल बात करी जाए मेवात की तो मेवात में इलेक्शन की जब बात आती है तो इलेक्शन की अगर हम बात करें 2009 का जब चुनाव हुआ था तो 2009 और 14 और फिर अब जो है 19 का जो मामला आ रहा है, इसमें सबसे बड़ी बात करी जाए कि 2009 में जो इलेक्शन हुआ था उस इलेक्शन में 3 कैंडिडेट इन्हीं विधानसभाओं में, फिरोजपुर झिरका, नुहू और पुनहाना विधानसभा जो क्रिएट हुआ था उसी दौर में, तो उस समय 1000 आंकड़ा भी भारतीय जनता पार्टी वोटिंग नहीं ले पाई थी। अच्छा, ये एक बड़ा मसला है। दूसरा, जब 2014 में जो इलेक्शन हुआ तो उसमें कुछ धनाढ्य, चाहे वो एजुकेशन में कुछ भी रहा हो लेकिन धनाढ्य होने के कारण उनका जो पृष्ठभूमि भी कुछ खास नहीं थी, उनका बैकग्राउंड कुछ खास अच्छा नहीं था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक पैसा उनके पास आया और उन्होंने राजनीति में वो यूज़ किया तो उस पर 15,000 से लेकर 20,000 से प्लस वोटिंग भारतीय जनता पार्टी को मिला। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि जब 2009 में चुनाव हुआ था तो यहाँ मेवात एक जो नाम जाना जाता है वो तबलीग के नाम से जाना जाता है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ था और ये तबलीग की वजह से ये मुस्लिम जो मेव कम्युनिटी है ये कहते थे कि अगर दिल्ली से हजरत जी भी आ जाए तो बीजेपी का टिकट लेकर तो उनको भी हम फटी वोट नहीं देंगे। और अब इस 10 साल के अंतराल में बीजेपी ने अपनी लोकसभा सीट निकाल लिया, वो तो बिल्कुल निकाली है और पिछला भी विधान लोकसभा देखा जाए तो भी वो बीजेपी से लड़ा था क्योंकि वो वहाँ पर बीजेपी का भारतीय जनता पार्टी का जो है वोट बैंक बढ़ा है। तो इसी बात को रखा जाए कि अब जो फिलहाल जो 2-3 महीने का जो आया जो इनेलो जो पार्टी से जो विधायक बने और वो एक साथ बीजेपी में चले गए तो पूरा मेवात भारतीय जनता पार्टी या भाजपा ही हो चुका है। अच्छा, तो उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जो है मजबूत दिखाई दे रही है लेकिन एक तरफ अभी एक जो नेगेटिविटी जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में आ रही है वो ये है कि जो पुनहाना विधानसभा क्षेत्र के जो मौजूदा मंत्री रहे हैं और उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीतकर पार्टी में गए थे और पार्टी में वो मंत्री बने और अब आखिरी वक्त में उनका टिकट काट कर एक महिला हैं, युवा हैं, पढ़ी लिखी हैं और दलित समाज से हैं तो उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना भरोसा जताया है। तो वहाँ पर एक तरफ जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ दिखाई दे रहा है कि वहाँ कुछ बदलाव आ सकता है। नौक्षम चौधरी जिसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है उस पर
मुस्लिम जो मेव कम्युनिटी के जो हैं उस पर अधिकतर लोग भरोसा जताए हुए हैं, उनका एक फंडामेंटल है, उनका कुछ ऐसा एट्रैक्शन उस लड़की ने 2 महीने में किया है कि मुसलमानों ने उनको कन्वेंस किया है और मुसलमानों के बीच में वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहकर उन्होंने पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी का टिकट लिया है और जो मौजूदा मंत्री थे उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाते हुए भी टिकट खो दिया है। अच्छा। तो ये एक बहुत बड़ा मसला मेवात में जो चल रहा है उस पर पक्ष विपक्ष कुछ भी हो सकता है और उसके रिजल्ट भविष्य में जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल मैं ये समझता हूँ कि जो मौजूदा विधायक जो आए थे अपनी पार्टी को छोड़कर इन्हें लो जो कि आज हरियाणा में गर्दिश में हैं उस पार्टी को छोड़कर जैसे ही ये लोग आए हैं तो मुझे लग रहा है कि लोकसभा का चुनाव का परिणाम जो आया उन पर इन विधायकों पर गहरा असर हुआ है। इन्होंने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है एक जादू की छड़ी है और वो हमको इस जादू की छड़ी से जीता लाएंगे, तो उस पर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि ये है, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं दोनों पक्षों और विपक्ष दोनों का बात रखूँ। नुहों की अगर सीट की बात करी जाए तो पिछले जो टर्म जो 5 साल गया है उसमें जो इनेलो छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चौधरी जाकिर हुसैन जो आए हैं उनका अगर कार्यकाल और उनका जो देखा जाए 5 साल का जो रहा है उस पर मुझे नहीं लगता है कि वहाँ का वोटर उसको लाइक करेगा, क्योंकि विपक्ष में जो आफ्ताब अहमद है कांग्रेस के कद्दावर नेता भी हैं और मंत्री रहते हुए भी उन्होंने अच्छा काम किए थे, लेकिन अब उनकी एक शोहरत जो है वो बढ़ती जा रही है, तो आफ्ताब अहमद जो है इस इलाके में एक बहुत बड़ा अच्छा काम करने के लिए जाने जाते हैं और उसका मजबूत एक वोट बैंक भी है जिस पर वो काफ़ी असर जो है चुनाव परिणाम आने में कुछ ना कुछ इसमें बहुत कुछ फेरबदल होने की उम्मीदें हैं। मेवात दूसरे 5 विधानसभा यहाँ पर हैं, एक सोना भी है और एक हतीन भी है, इन सब पर मिला जुला असर है, लेकिन फ़र्क ये पड़ता है कि मुस्लिम वोट किधर डिवाइड होती है। जैसा कि जितना मुस्लिम वोट डिवाइड होगा उन सब पर कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। राजस्थान की अभी फिलहाल अगर आपकी बातों से अगर मैं मानूं तो फिलहाल बीजेपी का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आपके अगर अध्ययन के मुताबिक हम बात करें, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर रहते हैं रिपोर्टिंग करते हैं, तो उसके अध्ययन से तो यही नज़र आ रहा है कि अभी फिलहाल जनता, और जहाँ तक हमारी रिपोर्टिंग की बात करें संदीप सिंह ने जो हिसार वगैरह बरवाला वगैरह या सोनीपत वगैरह में जाकर देखा तो अभी बीजेपी का जो है पलड़ा भारी नज़र आ रहा है। ये ओपिनियन पोल एक निकल के आया अभी कि अभी तक बीजेपी जो है सत्ता में वापसी कर सकती है, क्योंकि देखा जाए तो बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर वो भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं, नरेंद्र मोदी को जानते हैं और मनोहर लाल खट्टर को जानते हैं, लेकिन अगर उनसे बात करें तो कांग्रेस के किसी लीडर को वो एक का भी नाम नहीं बता पाते। तो ये एक बड़ी जो जगह बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के बीच में, ये उनका कहते हैं ग्राउंड जीरो पर काम करने की वजह से आई है, अब इस बात से सहमत है नहीं? ग्राउंड की बात करी जाए तो विकास तो भी भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ विकास की हाँ मैंने जिक्र नहीं किया, मैं बात करता हूँ अपने आप की बात पहुँचाने तक, जो अपना आपका एक तरह से अगर प्रचार हम उसे कहें तो पब्लिक उसे जानती है। नहीं, पब्लिक भारतीय जनता पार्टी को नहीं जानती है, पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर की जनता जानती है। कुछ साल में अगर कुछ इनके ट्रम से कुछ इनके वाकयात इनके जो जुबानी ऐसा हुआ है कि ऑल वर्ल्ड भारतीय जनता पार्टी को जाना जाता है, तो ये कोई बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। लेकिन ये है कि हरियाणा में पहली बार जब इन्होंने सरकार बनाई है और इन्होंने एक चेहरा जो खट्टर के रूप में दिया है वो एक बहुत बड़ा मामला है, और खट्टर को एक अच्छा नेता माना जाता है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि इन्होंने इन 5 सालों में कोई ऐसी भाषा यूज नहीं की है जो अन्य कहीं गए। देखिए भाषा की अगर बात करूं, अभी उन्होंने कश्मीर पे एक बयान दिया था, उन्होंने एनआरसी को भी लेके बयान दिया था, बयानबाजी तो उनकी भी वही कहीं ना कहीं निकल के आ जाते हैं जो बाकी नेताओं की है। उन्होंने कश्मीर की लड़के पर बोला कि भाई गोरी गोरी लड़वा से शादी करेंगे, उन पर की काफी आलोचनाएं हुई थी,
ठीक है। नहीं मैं तो देखो लड़की और लड़के का जो आलोचना वाली जो बातें हैं, मैं कोई बीजेपी का ये मामला नहीं रखता। उन्होंने जिस तरह से लड़कियों की शादियों की बात की है, तो वहाँ तो हिंदू भी तो रहता है, तो हिंदू हिंदू से मुस्लिम मुस्लिम से करेगा, तो इसमें उसका बयान जो है 370 हटने के बाद उन्होंने कश्मीर पर बयान दिया था। कश्मीर की वही बात हो रही है। खैर उसमें अगर हम ज़्यादा इस पर भी चर्चा होगी तो ज़्यादा है, लेकिन मैं अब फ़िलहाल मेवात की अगर बात करूं तो मेवात जो है 5 विधानसभा क्षेत्र हैं हरियाणा मेवात में, जहां पर अभी चुनाव है, और वही 5 विधानसभा हरियाणा राजस्थान विधानसभा में भी है, जिनमें से 3 विधायक अभी मेव समाज के हैं। तो यहाँ पर जो मसला है वो भी 3 पर अटका हुआ है। चौथा जो बड़ा मामला है, जो सोना आपके गुड़गांवा और जो एक बहुत बड़ी सिटी गुड़गांवा के नज़दीक लगती है, वहाँ के भी मुसलमानों में कहीं ना कहीं एक फेरबदल की ज़रूरत है। वहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, और बहुजन समाज पार्टी जो हाथी पर भी एक जावेद करके एक बहुत बड़े नेता हैं, वो भी वहाँ हाथी पर सवार हैं। देखना है कि वोट डिवाइडेशन कहाँ होता है, किसको फ़ायदा होता है, किसको फ़ायदा होता है। लेकिन मौजूदा अगर मेवात की बात करें, अंदर सिटी की बात करें जाए, तो वहाँ की जनता उन विधायकों के साथ नज़र आ रही है। नहीं ये आप कह रहे हैं, नहीं विधायकों के साथ नहीं है, लेकिन कुछ जो जिम्मेदार जो वहाँ के सामाजिक जो राजनीति करते हैं, सामाजिक स्तर के जो आदमी हैं, वो अभी भूले नहीं हैं रकबर को, पहलू खां को, क्योंकि ये अंडर 5 ईयर्स में हुआ है ये सारे मामले। तो कहीं ना कहीं अगर जब इन लोगों ने भूले नहीं है बिरयानी चेक कराना है, हंडी में क्या बकरा उसको, वो सारी चीज़ें जो मेवात में हुआ है वो सब पर उनकी नज़र है, ऐसा नहीं है। लेकिन मेवात है और मेवात के लोग जो हैं ये आखिरी वक्त में अपने, हो सकता है कि कुछ बदलाव आ जाए। और एक और ये सामने आती है कि खट्टर के लिए ये चुनौती वाला भी क्षेत्र है मेवात का, क्योंकि यहाँ पर लगभग कई मंत्रालय इन्होंने दिए हैं, हज कमेटी का भी इन्होंने यहाँ से दिया, और वक्फ बोर्ड भी यहाँ पे दिया, MDA का भी मंत्रालय मंत्री पद का जो होता है वो सब चीज़ें यहाँ पर मुहैया उन लोगों को किए। लेकिन जिन लोगों को ये दिया था, जो लोग इन पदों पर आसीन रहे, वो कहीं ग्राउंड पर नज़र नहीं आ रहे हैं। तो सर ने हमें बताया कि खट्टर सरकार ने मेवात के अंदर क्या किया है, वहाँ पर वक्फ बोर्ड भी दिया है, MDA भी दिया है, तो बहुत सारी कुछ अच्छी भी चीज़ें दी, और एक चुनौतीपूर्ण उनके लिए रहा है मेवात। और अब देखना ये है 2019 में जिस तरह से खट्टर सरकार की वहाँ पे मेहनत जो है रंग लाई थी और वो सीट भाजपा के खाते में गई लोकसभा में, अब देखना ये है विधानसभा के चुनाव में वो वोटर को कितना लुभा पाते हैं। और जो तीनों फिलहाल शहर के विधायक हैं, फिलहाल वो उसमें मौजूद हैं, और फिलहाल वो जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे ये तो 21 तारीख के बाद पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि 21 तारीख को वोटिंग होनी है। लेकिन हाल फिलहाल देखा जाए पब्लिक जो है साथ नज़र आ रही है, ओपिनियन पोल जो है फिलहाल बीजेपी के खाते में नज़र आ रहा है, जितनी भी ग्राउंड रिपोर्ट आई है ज़्यादातर उनमें यही चीज़ नज़र आई है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी बहुत ज़्यादा चल रही है। अशोक तंवर अपना इस्तीफा दे चुके हैं, सिद्धू वहाँ पर प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ें भी बहुत वहाँ पर निकल कर आ रही हैं, और जिसका कहीं ना कहीं फ़ायदा भाजपा को होता नज़र आ रहा है। हमारे साथ सभी साहब हैं जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं वहाँ पे, और इनकी अच्छी खासी पकड़ है पत्रकारिता के हिसाब से, ये इन पर सब पे नज़र रहती है। इस पर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट के रूप में ज़रूर बताइए, साथ ही खबर को शेयर कीजिए। हरियाणा से जो लोग देख रहे हैं वो हरियाणा में इस खबर को पहुँचाएँ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को पता चले कि पब्लिक क्या सोच रही है।